कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रियंका के नॉमिनेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर पहुंचे थे। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन के दौरान गेट के बाहर से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साध दिया। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि खड़गे को नामांकन प्रक्रिया से बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि वो दलित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वायनाड की कथित त्रिमूर्ति की तरफ से आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ सांसद और दलित नेता के प्रति ऐसा बर्ताव बेहद निराशाजनक है। AICC का अध्यक्ष हो या PCC का, क्या ये परिवार उन लोगों को अपमानित करने में गर्व महसूस करता है जिन्हें वो महज एक रबर स्टैंप मानता है। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो मैसेज में कहा, असलियत तो ये है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पहुंचे तो पहले से ही वहां कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर गए और खड़गे जी प्रथम पंक्ति में बैठे। क्या सच में हुआ खड़गे का अपमान? बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो वीडियो शेयर किया जा रहा है उसमें खड़गे कमरे के बाहर गेट से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि वीडियो प्रियंका गांधी के नामांकन के समय का है और कांग्रेस अध्यक्ष को अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? आई खबरों की माने तो ऐसा नहीं था। जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त खड़गे ही नहीं, राहुल, सोनिया और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी बाहर ही थी। डीएम के कमरे में 5 लोगों के बैठने की जगह थी और ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक एक कर लोगों को अंदर लाया जा रहा था और ये वीडियो उसी दौरान का है। खड़गे प्रियंका के नॉमिनेशन में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि सबसे आगे बैठे हुए थे। प्रियंका के साथ पहली पंक्ति में राहुल और खड़गे ही बैठे थे, वहीं दूसरी पंक्ति में सोनिया और KC वेणुगोपाल बैठे हुए थे। प्रदेश वायनाड में उपचुनाव राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद हो रहा है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव जीता था, लेकिन रायबरेली सीट राहुल गांधी ने रखी, वहीं वायनाड की सीट छोड़ दी। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India.